हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर आपका एक बार वेलकम करते हैं। और आज हमारे चैनल पे आप आ गए हैं तो आज हम आपको हिंदी की पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे कि हिंदी को आपको कैसे क्रैक करना है। आपको जितने बचे दिन हैं 8-10 दिन जो भी बचे हैं इसी में आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो जो हम आज बताएंगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको हेल्प ना मिली तो बताना, फिर कमेंट करना। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो को, तब तक कि हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कोई भी वीडियो प्ले करेंगे ऐसे सब्सक्राइब बटन देखिए, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। तरह तरह की वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आज हम आपको अच्छी सी जानकारी हिंदी के बारे में देंगे। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए और जीवन परिचय का परिचय की भी वीडियो बहुत डाल दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी की PDF फाइल और MP3 फाइल सभी फाइलें हैं। उससे आप MP3 फाइल डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। उनके जीवन परिचय को, कवि परिचय को और इम्पोर्टेंट कवि परिचय, जीवन परिचय डाले हैं। जो भी डाले हैं उसको अगर याद कर लेंगे तो आपको पक्का परिचय 100% मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। आप याद करके जाके प्लेलिस्ट चेक करके डाउनलोड कर लीजिए PDF और MP3 दोनों। तो इस तरह से वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे। क्या चीज़ें हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो में ये चीजें हैं आपकी, हमने कंप्लीट तैयार किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले नंबर तो समान हिंदी और सभी हिंदी के लिए है 100% मार्क है। 90% मार्क लाने के लिए बेहतरीन ट्रिक हमने यूज किया है। तो पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी, जो 5 प्रश्न रहेगा 5 अंक रहेगा। ये आपका विधा रचना और कवि जो भी आधुनिक काल वो भारतीय हिंदू युग, द्विवेद युग, कौन सी रचना किसने की, कौन सा युग कहाँ तक चला, सारी चीज़ें आपको ये पहले 10 प्रश्नों में पूछेंगे। पहला दूसरा प्रश्न, 5 प्रश्न के बहुविकल्प। ये प्रश्न आप अपने बगल से भी संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको याद है टिक लगा सकते हैं, गलत या सही टिक इसको लगा ही सकते हैं, इसको छोड़ना मत, इसको भी कर देना। 5 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न ये हो गया, तीसरा प्रश्न क्या मिलेगा, तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा अवतरण। तो तीसरा प्रश्न अवतरण मिलेगा, गद्य में आपको ये 2 अवतरण रहेंगे, 1 अवतरण करना होगा, 10 नंबर का रहेगा, यानी कि प्रत्येक अवतरण में 5-5 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न का उत्तर 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 10 अंक रहेगा। और इसी तरह पद अवतरण भी रहेगा, 2 अवतरण रहेगा, 1 अवतरण करना होगा, 10 नंबर का रहेगा, 5-5 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के रहेंगे, यानी 10 अंक का रहेगा, 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके बाद आपका लेखक परिचय आ जाता है और कवि परिचय आ जाता है। तो लेखक परिचय और कवि परिचय में जो हम भी वीडियो डाले हैं उसको जाकर देखिए, इसी जिसमें जो भी दिए हैं इंपॉर्टेंट दिए हैं, लेकिन आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे कि लेखक परिचय में आपको दिखाई दे रहा है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ भाषा शैली को यूज करती हुई हेडिंग बनाती हुई आप जो भी जितने दिए हैं, जैसे हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव सर अग्रवाल, पूजा रेड्डी और मोहन राकेश हजारी प्रसाद देवी। तो आपको हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव सर अग्रवाल और वासुदेव सर प्रोस, तो इसमें से आप वासुदेव सर अग्रवाल को भी और प्रोजी रेड्डी यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को भी आपको याद कर लेना, तीनों आपको पक्का आ जाएगा, पक्का याद कर लीजिए। और इन तीनों को वीडियो हम डाल दिए हैं, जब डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको ऑडियो वीडियो सभी चीज़ फाइलें मिल जाएगी, तो कम्प्लीट मिल जाएगा। कभी में भी कभी में इसी तरह आपको 4 अंक का रहेगा, साहित्यिक परिचय कृतियाँ और जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और महादेव वर्मा, तीन में से एक को याद कर लेना है, आपको पक्का मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जीवन परिचय थे और जीवन परिचय के बाद चलते हैं, और चीज़ें क्या है उसको भी दिखाते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है, 7 नंबर है आपका कहानी पर आधारित, कहानी पर आधारित प्रश्नों को 4 कहानी है आपकी, जो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा और लाठी है, 3 में से पंचलाइट, बहादुर कोई भी याद कर लीजिए, ये आपका मिल जाएगा, 4 अंक आपको कंप्लीट मिलेगा, याद कर लेना पक्का, जितना भी बता रहे हैं आपको इसको याद करना है, अगर इसको याद करते हैं तो आपको पक्का मिल जाएगा, नंबर मिलना ही मिलना है, बस आप 2 दिन में तैयार कर लीजिए इतने क्वेश्चन को। उसके बाद स्वपठित नाटक है, स्वपठित नाटक में आपको जिला पर रहता है, जो भी जिले में हो अपने जिले को देख लीजिए, अगर नहीं पता कौन से जिले में कौन सा आना, इतने नाटक हैं सबको हम लिख दिया है, इसी में से एक नाटक आपको आना है, तो अपना जिला निर्धारित। स्वपठित खंड काव्य होता है, इसमें भी जिले के हिसाब से है, जो भी जिला हो खंड काव्य में आपको भी 4 नंबर का आएगा, जिला आप क्लियर कर लीजिए कौन सा जिले के हिसाब से आपको है, नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कि कौन सा आपका है। तो इन क्वेश्चनों में आपको वो जिला निर्धारित होगा, जिले के हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं, अगर जिसको जिला पता हो कौन सा, एक ही आपको करना है, ये ध्यान, जैसे गरुड़ध्वजा है, गरुड़ध्वजी लिखना है, इसमें से एक आपको लिखना है, एक पर प्रश्न याद करना है, लेकिन आप जिला निर्धारित करके आप याद कर सकते हैं। जिला ना पता हो जिसको कमेंट करिए, मुझे कमेंट में बता देंगे कि कौन सा जिला किसके लिए है, कौन सा आपको याद करना है, सभी में से केवल एक आपको याद करना है, एक प्रश्न आपका काम करेगा 4 नंबर का, पक्का ये नंबर मिलता है आपको, ध्यान रखना, तो जिले के हिसाब से कर लीजिए।
उसके बाद आपका अगला खंड खा आता है जो कि आपका व्याकरण संबंधी रहता है, यानी कि आपका संस्कृत और व्याकरण मिला कर रहता है। तो इसमें से आपको पहला आएगा, पहले में आपके अवतरण आएंगे एक गद्य अवतरण एक पद्य अवतरण। ध्यान रखिए गद्य अवतरण पद्य अवतरण दोनों को संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, दो दो रहेंगे। गद्य अवतरण में दो गद्य अवतरण रहेंगे एक करना होगा, पद्य में दो गद्य अवतरण रहेंगे नहीं दो पद्य अवतरण रहेंगे दो में से एक करना है, एक एक करना है। आपको चार चार नंबर में टोटल आठ नंबर मिलेगा इनमें से। ध्यान में रखना है कि आपका चार चार नंबर अवतरण पर संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद उसका करना है। उसके बाद मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्तियों में से आपको रहेगा तीन, दो या तीन रहेगा जो भी रहेगा उसमें से आपको दो ही लिखना होगा, दो करना है, या चार रहेगा तो दो करना है, दो का दो दो नंबर यानी चार अंक रहेगा। और उसके बाद आपका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपका बहुविकल्पी रहेगा, तीन प्रश्न रहेंगे तीन अंक का रहेगा। युग्मों का सही अर्थ बहुविकल्पी प्रश्न में भी रहेगा, दो अंक का रहेगा। और सही शब्दों का एक सब सही शब्दों का जो क्लियर करना होता है कि इसमें से तीन रहेगा दो करना होगा, दो अंक का रहेगा। वाक्यांशों का एक शब्द बनाना होता है जो भी चार प्रश्न रहेगा तो दो करना होगा, आपको दो अंक मिलेगा। और शब्दों का एक वचन यानी एक वचन कह रहे हैं वचन लिखना होता है, विभक्ति लिखना होता है, तीन रहेगा दो को करना होगा, वचन विभक्ति बताना होता है, दो अंक। वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आपको तीन प्रश्न रहेंगे यानी तीन क्वेश्चन रहेगा, उसमें दो करना होगा, आपको दो अंक रहेगा। ध्यान दीजिए कितने कितने करना है, ये एकदम कंप्लीट याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका ग्रामर संबंधी आ जाएगा यानी व्याकरण संबंधी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चलते दिखाते हैं पूरा वीडियो, लास्ट तक देखिए आपको पूरा फायदा मिलने वाला है एकदम कंप्लीट। तो आपका चौथा नंबर है रस की परिभाषा का नंबर है, इसमें रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। ये जितने रस लिखे हैं इनमें से आपको टिक किए हैं करुण रस वीर रस, आप याद कर लीजिएगा इनमें से एक रस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका अलंकार आता है, अलंकार में भी आपको इसमें से एक ही करना होगा, ध्यान रखिए एक ही करना है, एक उदाहरण भी देना है। तो उसके बाद इतने अलंकार में से आपको यमक रूपक और उपमा इन सब में से याद कर लीजिएगा, आपको एक मिल जाएगा दो नंबर का। छंद की परिभाषा लिखना, छंद की परिभाषा में दोहा चौपाई इनमें से याद कर लीजिएगा, एक आपको मिल जाएगा, दो दो अंक का रहेंगे। अब उसके बाद पत्र आवेदन पत्र आता है, पत्र आवेदन पत्र में छंक का रहता है, इसमें से आपको लिखना होता है जैसे पहले आप बैंक संबंधी एक पत्र याद लिख लीजिए, जैसे लोन लेना हो ऋण लेना हो खाता में सुधार करना हो तरह तरह का रहता है, तो आपको प्रबंधक को लिखना हो ये पत्र आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा पत्र होता है नगर मोहल्ला वो आपको किसी कमी की हो, जैसे मोहल्ले में गंदगी बीमारियां सड़क बिगड़ी हो बिजली खराब हो प्राकृतिक आपदा हो, तो उस तरह की वीडियो के लिए है। तो उस तरह के लिए भी आप इसको बना के लिख सकते हैं, जिलाधिकारी को लिखना होता है ये जिलाधिकारी, एक नियुक्ति संबंधी पत्र होता है तीसरा। इतने पत्र में आपको पक्का पक्का मिलेगा, अगर नहीं मिले तो फिर आके कहना, इतने में आपको ध्यान में लेकर रख लेना है। PDF डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF है, PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सबको ही। ओके उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। और टोटली आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ अभी बचता है निबंध, निबंध में आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से निबंध को तैयार रखना है। इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की दौरी आइकन से आपको ढक रहा होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं निबंध आपको अपनी भाषा शैली में लिखना, PDF में आपको पूरा लिखा के PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सामाजिक निबंध की याद करना है, आर्थिक या राजनीतिक या पर्यटन या विज्ञान या आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल कंप्यूटर संबंधी विज्ञान संबंधी विज्ञानी वैज्ञान के हिसाब से आपको क्या महत्व लाभ हानि ये सब, पर्यटन या कहीं पर जाना हो जैसे कि, और राजनीतिक विपक्ष में क्या पार्टियाँ क्या क्या कर रहे हैं, इस तरह निबंध आपको मिल जाएंगे। गाइडों में आर्थिक होता है जैसे बजट वगैरह दुनिया भर का, NRC लागू हुआ अभी तरह के NRC, तो इस तरह की सामाजिक की निबंध, इन सब पर निबंध, एक निबंध आपको तैयार कर लेना, दो तीन निबंध आपको बना के लिखना, अपनी भाषा सही लिखना है, उस पर नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो आप नंबर चिंता मत कीजिए, एक निबंध आपको लिखना है इन सब पर। तो निबंध तक ये टोटली आपका कंप्लीट हमने बता दिया कि इतनी चीज़ें आपको आनी है, इन सब चीज़ों को याद कर लिए। एक बार PDF पूरा डाउनलोड कर लीजिए, PDF डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के इसी तरह को इन्हीं सबको याद कर लीजिए। अगर नहीं मिला तो बताना आप, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने हाई स्कूल और इंटर संबंधी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को अपने भाइयों को भी जुड़ा दीजिएगा। और तब तक के लिए अगली वीडियो फिर लाते रहेंगे, इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स सभी की वीडियो लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह का हम क्या क्या करना है जल्दी से लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल पर स्टे रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। जीवन परिचय का परिचय की हम वीडियो डाल दी है, बहुत अच्छी PDF हो और उसकी MP3 फाइल में डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करना हो तो MP3 फाइल आप एयरफोन लगा कर सुन सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर कंप्यूटर मोबाइल संबंधी भी आपको वीडियो डालेंगे जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, एंड लाइक एंड शेयर और संतोष कुमार को दीजिए और हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी पर अपने बने रहिए, जो कि पहले चैनल था
धारूरी टेक्नो नॉलेज एंड इंटरटेन चैनल जो कि चेंज करके टेक्नो प्लस सिटी चैनल कर दिए हैं, सॉरी इसके लिए आप यही चैनल रहेगा। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।